के नाम से 17 करोड़ की अच्छा। तो वही देने आए थे। ले ले पापा 17 तब ले लेना तब ले लेना चाहिए था ना। भगवान का दिया, भगवान का दिया वाला लौटा। मैंने क्या दिया है आपने अपनी बीवी को क्या दिया है? तो हंस दे रहे ओ कृषा कृषा तुमसा कोई नहीं कृषा तू खुश रहे जहाँ भी रहे ये मेरे दिल की दुआ हो। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आकांक्षा अनु ब्लॉग्स में। आप सबको मेरा प्रणाम आदाब एंड सत श्री अकाल। अभी बज रहे हैं मॉर्निंग के 9। जच्चा और बच्चा दोनों ही सो रहे हैं। अंकू भी सो रही है और बच्चा भी सो रहा है। तो दोस्तों, आज है वैलेंटाइंस डे और मैंने कुछ ऐसा सच प्लान करने रखा है। फ़ोन को स्क्रॉल कर रहा था तो देखा रही आज तो वैलेंटाइंस डे, कुछ भी याद ही नहीं रहता क्योंकि सारा ध्यान तो एक ही तरफ केंद्रित है, आपको पता ही है। वो सभी जच्चे और बच्चे की तरफ ही बिजी हैं। तो ऐसा कुछ सच प्लान मैंने बनाया नहीं। अचानक याद है कि यार कुछ करते हैं, तो मैं अभी जिम के लिए जा रहा हूँ और देखता हूँ जिम से लौटते हुए कुछ करता हूँ। कुछ कुछ सामान आ गया, मैं कोशिश करूँगा कि उनको थोड़ा स्पेशल फील कराऊँ। तो चलिए देखते हैं। मम्मी कह रही क्या बोले जा रही है? मम्मी देखो मैं आपके लिए क्या कुछ लाई हूँ। वैलेंटाइंस डे है आज ना, मैं आपको रोज से क्या चीज आ जाए। इधर आओ, आ गया हूँ। क्या क्या चीज आ जाए? वाह वाह, मेरी फूलमती ये फूल। भाभी हैप्पी वैलेंटाइंस। मम्मी लाओ तो ये मैं आपको देखो पति लोग क्या होते हैं ना। ये यहाँ क्या चल रहा है? वही फूल दादी को चिपकाया। हैप्पी वैलेंटाइन्स। मैं पति को मत बताना। हाँ ये मैं आपके इस जमाने में लड़कियां लड़कियां मैंने की। आपको भी मैं चॉकलेट देती हूँ। तो गाइज आज है वैलेंटाइंस डे। तो वैलेंटाइंस डे के दिन कृषा के पापा ने कृषा के लिए बहुत ही अच्छा गिफ्ट दिया है। कोटेक लाइफ से एक बहुत ही अच्छी पॉलिसी जो है उन्होंने आज फिक्स करी है कृषा के लिए। अगर आप लोगों को भी अपने बच्चों के लिए इस तरीके का कुछ फ्यूचर प्लान करना है तो मैं नीचे डिटेल शेयर कर दूंगी, आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमारा नाम आप रेफरेंस के तौर पर ले सकते हैं। पैदा हुई तो उसके पैदा होने की खुशी में ये लोग करोड़ रुपए देने आए थे। 17 करोड़ ले ले। एक लॉटरी लगी है कृषा के नाम से 17 करोड़ की अच्छा। तो वही देने आए थे। ले ले पापा 17 तब ले लेना तब ले लेना चाहिए था ना। भगवान का दिया, भगवान का दिया वाला लौटाना नहीं। ले लिया पापा, हमने ले लिया। तो अभी ले लिया 17 करोड़ का जो पॉलिसी है, बोला गया है कि इसमें साइन करना पड़ेगा आपको।
जिससे आपका सारा जो जायदाद है ना वो मेरे नाम हो जाएगा, वो मैं बैंक पापा जायदाद कर दो, नाम कर दो मजले के नाम, देखी जाएगी बैंक को मैं बेच दूंगा तो 70 करोड़ दे आपकी जायदाद बैंक को बेच देंगे। अंगूठा लगाइए, अंगूठा तो लगाइए, अंगूठा कहाँ लगा, आप अपना नहीं देना चाहते, 17 करोड़ लेना चाहते हैं बताइए। नहीं हम नहीं ले, नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए 17 करोड़, अच्छा इनको इनको ले लेना। पापा पापा कितने चलाक हो आप, लिख लिख कर कर जल्दी। अरे अंगूठा दीजिए, लगाएंगे यहाँ पे तो आपके बड़े बेटे को लिखेंगे सारा। किसके नाम लिखोगे सारा, ऐसे मुंडी नाम लिख देता, तीनों के नाम लिखेंगे, नाम लिखेंगे। ये कोटक लाइफ के मतलब कोटक महिंद्रा जो बैंक है ना उसके तरफ से ये पॉलिसी है, इसका नाम है मैक्सिमाइजर, ठीक है। ये लाइफ टाइम के लिए है, मतलब 85 साल तक एक फायदा देने वाला ये पॉलिसी है। इसमें क्या है कि आपको आपके अपने हिसाब से जो भी आपका जेब अलाउ करता है, आप 50,000 या 1,00,000 रुपया हर साल मतलब सालाना दे सकते हैं, वैसे उसको मंथली में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सालाना 1,00,000 दे दीजिए या 50,000 1,00,000 दे दीजिए, उस हिसाब से 10 साल तक ही आपको 10,00,000 रुपये देना है, ठीक है। और 10 साल के बाद आपको 11वें साल से एक फिक्स अमाउंट मिलता रहेगा आपके 85 साल तक, मतलब जब तक वो बुढ़ी नहीं हो जाती। ये प्लान जो है हमने अपनी डॉटर के लिए कृषा के लिए लिया है, फिक्स्ड अमाउंट हर महीने आपके बच्चे के नाम पे लाइफ लॉन्ग मिलेगी, लाइफ लॉन्ग जिंदगी भर, मतलब कुछ नहीं करना उसके बाद। तुम जियो हजारों साल, साल के दिनों 50,000। सो गाइस एक गाना है जो हमने इसके लिए बनाया है और हम इसको सुलाने के लिए गाते हैं। हाँ, और यही मतलब मैंने बनाया था ये गाना, इन्होंने बनाया था लेकिन गाया मैंने था, लिरिक्स मेरे हैं। ओ कृषा कृषा, तुम सा कोई नहीं कृषा, तू खुश रहे जहाँ भी रहे, ये मेरे दिल की दुआ। ओ पता है बहुत बेसुरा गा रहे हो। हे भगवान, कट 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 क्या। अरे बहुत बेसुरे गाने थे कान में मेरे, बेसुरे गाने के बाद भी इनका बच्चा जो है बिल्कुल कुमकरण की नींद सो रहा है, मतलब इसके इसको जब सोना होता है ना तो कुछ भी कर लो नहीं उठती, नहीं उठती है बिल्कुल। आप बड़े भैया को बहुत मिस कर रहे हो इसलिए मैं ये आपके लिए नीचे जा, बात कर रही थी फोन पे लगी है। अच्छा मम पापा आज वैलेंटाइन डे है, मतलब कि क्या है, मतलब कैसे समझाया जाए। प्यार दिवस। आज बिस्किट दिवस नहीं है पापा, प्यार दिवस है। अपने अपनी बीवियों को कुछ देते हैं, मैंने क्या दिया है आपने अपनी बीवी को, क्या दिया है मैं क्या दिया है? मांगो, क्या मांग रही हो, पूछ रहे क्या मांग रही हो बताओ। लो ये दो चलो, ये दो छोड़ो, एक सेकंड रुक। क्या है पापा, ओ दोनों हंस दे रहे हो। हैप्पी वैलेंटाइन डे, बड़का तोप हो। यही सब चल रहा है हमारा, ऐसे ही वैलेंटाइन जो है बढ़िया सा मस्त सा चल रहा है सबके बीच में, तो यही हमारे घर में रोज जो है ऐसी मस्ती छोटी मोटी चलती रहती है। और सबसे बड़ी बात है मस्ती में आप लोग भी शामिल होते हैं और आपको आपका प्यार हमें बेहद मिल रहा है हमारी वीडियोस पे। सो बहुत से लोग बोल रहे हैं कि हम डेली व्लॉगिंग करें, हम डेली व्लॉगिंग ही ऑलमोस्ट करते हैं, हम हर 2 दिन में एक वीडियो अपलोड करते हैं। मुझे अपना टेक केयर करना है, 40 डेज का एक रिचुअल होता है। 40 डेज तक तो इनको कहीं आना जाना भी नहीं है और सबका ध्यान अभी इन्हीं की तरफ है, कृषा और अंकू की तरफ ही है। ये अपने ही सरप्राइज हमेशा स्पॉइल करने आ जाती हैं। अरे तो बंदा कब तक अंदर रहेगा, बाहर तो आएगा बंदा, ये बाहर नहीं आएगा। सारा सरप्राइज का क्या बोलते, फादर ब्रदर हो गया। अरे तो सरप्राइज ऐसे, इतने कमरा इतना पास है, बंदा तो आएगा ही ना, निकल के तो आएगा ही।
तो एक और बहुत ही प्यारा सरप्राइज जो है, सरप्राइज नहीं मैंने देख लिया था चुपके से मेरा आइडिया था हर बार सरप्राइज को ये रूम के जस्ट बाहर ये सब हो रहा था, तो मैंने ये सोने का सोने जा रही थी, मेरे को बोली मैं सोने जा रही हूँ, नहीं मैं एक्चुअली जा रही थी, वो सो गई थी, अभी पीछे उसका टाटा शुरू हो गया और अभी उसको मुझे फीड करवाना है, बट बहुत ही सुंदर जो है ये प्रिपेयर किया है गोस्वामी साहब ने। अभी हम रोमांटिक डिनर करना चाहेंगे, बट पहले पॉटी साफ कर रहा हूँ मैं। हाँ, अंदर से आवाज आ रही है। तो गाइस गाइस नहीं, मे बी आप वेट करो, मैं वेट करता हूँ, वो तो करना ही पड़ेगा, हमारी ड्यूटी है वो तो वेट करना। आप तो जब भी मैं प्लान करता हूँ कोई सरप्राइज तो लड़कियों को पता चल जाता है और आके वो तोहफा दे ही देती है। इस बार भी मैंने थोड़ा छोटा मोटा एक भाई हमें प्लान किया है, मैंने घर पे ही कैंडल लाइट डिनर का प्लान किया है, कुछ रील्स भी बनाएंगे हमने सोचा है कुछ धमाकेदार। सो आप कमेंट जरूर कीजिएगा कैसा लगा आपको ये आइडिया। फाइनली हम लोग डिनर पे बैठ गए हैं और बहुत देर वेट किया है गोस्वामी साहब ने मेरा। कुछ कहीं तो बाहर जाऊँ या ऐसा कुछ, और हमारा बिल्कुल पर्सनल टाइम तो बिल्कुल भी हमें नहीं मिल पा रहा कि हम दो बातें भी करें। मिलते हैं आपसे अपने अगले व्लॉग में, आज बहुत ज्यादा मजा आया, अच्छा लगा बहुत टाइम बाद। तो मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए डू लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज आकांक्षा एंड व्लॉग, और हमारे साथ जो है ये भी जगी हुई है पलक हमारा कैमरामैन। एक्चुअली ये अब बैठ के पढ़ाई करेगी, इसकी रात में पढ़ाई की ड्यूटी होती है। चलो निकलो बेटा पढ़ाई के, चलो हो गया तुम्हारा काम खत्म।